भाई आपने मुंबई की हम बॉम्बे जर्नी करते समय आपसे ठाकरे साहब की बात ना करे हो ही नहीं सकता। आपने बाला साहब प्ले किया है, दैट वाज आइकॉनिक, जो आपका वो पूरा कैमरा यूं घूम के पीछे आता है दादर शिवाजी पार्क में आप स्पीच दे रहे हो, वो एकदम रेप्लिका था भाई, वो तो एकदम सेम था। हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ होके आए, वो उनकी देन है हमें सबसे बढ़िया। तो वो कितना कठिन होता है भाई प्लेइंग अ बायोपिक ऑफ अ मैन हु इज दैट रेवर्ड God considered। I think बाड़ा साहब का जो कैरेक्टर है वो सबसे टफ था मेरे लिए। वो इसलिए था क्योंकि मैं उनकी कॉपी नहीं, मिमिक्री नहीं करना चाह रहा था जी, उनकी कॉपी नहीं करना चाह रहा था। आपको लगे भी कि बाड़ा साहब है सिर्फ, और पता भी चले कि मैं कर रहा हूँ। क्या होता है ना, जैसे अगर आप ये कहें कि भाई मेथड एक्टिंग क्या होती है, अगर मैं मुझे अपने एक फादर को बोलनी है तो मेथड एक्टिंग का मतलब है कि अगर मैं आपके होने का इम्प्रेशन दे रहा हूँ, कॉल्ड मेथड एक्टिंग, दैट्स इट, इन अ वेरी सिंपल वे। हाँ देखिए भाई, बॉम्बे जर्नी में पहली बार तीनों कैमरे कार्ड खत्म हो चुके हैं, अब हम स्विच करके फोन पे आ चुके हैं और नवाज भाई इज बीन काइंड इनफ कि वो हमें ये सब कीड़ा कांडी करने दे रहे हैं। तो आप बता रहे थे मिमिक्री की बात, जुगाड़, ये होते हैं जुगाड़ भाई। तो आप बोल रहे थे कि मिमिक करना ईजी है। हाँ, मिमिक करना बहुत ईजी है, लेकिन दैट इज़ वाई इसलिए बाड़ा साहब की जो तैयारी है ना, मैंने बहुत ही उनकी वीडियोस, मतलब 100-150 के आसपास उनकी वीडियोस देखी, शुरू से लेकर आखिर तक उनके इंटरव्यूज, ये वो सब, और उनका बॉडी लैंग्वेज, ये वो सब स्टडी किया, उनकी हैबिट्स, उनका वेट कितना है, इसलिए वो क्यों, वो कैसे चलते थे, क्योंकि उनका वेट कम था, क्योंकि हर आदमी का वेट रखने का जो अंदाज होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग टो से चलते हैं, बहुत सारे लोग कोहनी से चलते हैं, मतलब सही बोले भाई, एड़ी से चलते हैं, मुझे घुटनों से चलते हैं, कोई बट से चलता है, कोई थाइस से चलता है, फक है ना, कोई पेट से चलता है जी। तो ये, और जो जिसका, तो यहाँ तक के स्टडी किया था कि बाड़ा साहब की उंगली ना ऐसे रहती थी, तो अगर उन्होंने वो स्पीच भी देते थे तो ऐसे जाता था उनका, ये होता था। करेक्ट। और मराठी का भी लहजा पकड़ा, मराठी का लहजा पकड़ा, मराठी पूरा, दो शॉट होते थे, एक हिंदी में होता था, एक मराठी में होता था। ओ वाओ, हां वही शॉट फिर मराठी में करते थे।